नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। इससे पहले कि इस विश्लेषण को आगे बढ़ाया जाए, दो वीडियो देखना बेहद जरूरी है। इसमें एक वीडियो पाक के उस प्रोपेगेंडा का है जिसे वह भारत की खातिर वर्षों से अंजाम देता आ रहा है, जबकि दूसरा वीडियो इसी का जवाब है। जवाब भी ऐसा कि जो मदरसा कौम कल तक फूली नहीं समाती थी, अब हीरा मंडी की बालकनी के पीछे जाकर छुप गई है। तो आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि ये कोठे वाला मुल्ला कुछ ही देर में काट का हो जाने वाला है। शहजादी हिंद बिन फैसल कासमी से हिंद अल कासमी इन दिनों ट्विटर की दुनिया में छाई हुई है। हिंद अल कासमी ने ट्विटर पर मुसलमानों के खिलाफ मजहबी इंतहा पसंदी और नस्ली मुनाफरत फैलाने वाले हिंदुस्तानियों को नाको चने चबवा दिए हैं। हिंदुत्व का राग अलापने वालों को चारों शाने चित कर दिया है। खास तौर पर दुबई में बैठकर आरएस का जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की तो बोलती ही बंद कर दी है। शहजादी हिंद अल कासमी ने ट्विटर के महा से सवारब अफादिया और उसके हवारियों को करारे जवाब देना शुरू किए और दो टोक अल्फाज में तमीह की है कि सुधर जाओ वरना नफरत फैलाने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। हिंद अल कासमी की ललकार सुनकर हिंदू बनिए सहम गए, चूहों की तरह अपने अपने बिलों में छपना शुरू कर दिया। मगर यूएई में रहकर मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जज्बात मजरू करने वाले साइबर क्रिमिनल्स को ढूंढ ढूंढ कर यूएई बदर किए जाने का सिलसिला जारी है। सलाम है शहजादी हिंद अल कासमी को, जिन्होंने वाज़ेह अल्फाज में हिंदुस्तानी तारकीन वतन को पैगाम दे दिया है कि आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी जबानों को लगाम ना दिया तो पहले जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसना होगी और फिर नौकरी पर लात का तोहफा लेकर इट हैपेंस ओनली इन इंडिया का गीत गाते हुए डिपोर्ट होना पड़ेगा। देखिए, जिनकी पतलून की सिलाई पाकिस्तान में हुई हो उन्हें बोलने में ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पतलून पीछे से फट सकती है, यानी पाकिस्तान में बोलने की आजादी भारत के ही खिलाफ है। सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा डॉन न्यूज अखबार के मालिक देख चुके हैं। वैसे भी मदरसा जमात औरतों को आगे करके पीछे से अपनी बहादुरी की गाथा गाती है। ये फंटर मुल्ला जमाली उसी का एक नमूना है। एक हफ्ते पहले यह जितने जोश में भरा था उसका झाग बुधवार आते आते बैठ गया। दो दिन पहले ही अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कासमी ने एक ऐसा वीडियो दुनिया के सामने पेश किया जिसने तहमंदबाजों की टोपी तहमंद सब उड़ा दिए। शहजादी हिंद अल कासमी के इस वीडियो ने मुल्लाओं की जमात में हड़कंप मचा दिया। आइए देखते हैं हिंद अल कासमी का ये वीडियो। इस वीडियो को दुनिया के सामने लाने के बाद हिंद अल कासमी ने कहा है कि मैंने मुस्लिम होने के बावजूद पूजा की और मुझे मंदिर के अंदर अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ। मैंने भारत में पुडुचेरी के पहाड़ों को देखा। मैं खेतों में गई, मैंने साड़ी और बिंदी खरीदी। मैंने गोल्डन टेम्पल की यात्रा की, केले के पत्ते पर खाना खाया और मंदिर में मैंने लक्ष्मी शिव हनुमान के दर्शन किए, उन पर जल भी अर्पित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस अविश्वसनीय भारत को देखना चाहिए। अब यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि 17 मई को हवा में उड़ने वाला मुल्ला जमाली इस वक्त कहां पर गिरा होगा। फिलहाल तो पाकिस्तान यही खबर चला रहा है कि यह सब पीएम मोदी के दबाव का नतीजा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।